हजारीबाग के बड़का गांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस और मुख्य उपाध्याय व जस्टिस अम्बुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। योगेंद्र साव के जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुट गए थे। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र साव की विधायक बेटी अम्बा प्रसाद खुद पिता को लेने के लिए जेल पहुंची थी। भिंड तहसील के उनके बीच योगेंद्र साव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में ही बंद है। बता दें कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चिरू डीह के में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साहब को 10 साल की सजा सुनाई गई है। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसी दौरान उनके ओर से अदालत में जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी।